सिवान के हुसैनगढ़ प्रखंड के खरसरा गांव में 29 मार्च को पश्चिम बंगाल से बारात लेकर आए 39 बाराती लॉकडाउन में फंस गए हैं। दुल्हा का बड़ा भाई बाबूजान अंसारी ने बताया कि हम लोग मुख्य रूप से मरकन टोला सिवान के निवासी हैं, लेकिन पिताजी के जमाने से हमारा पूरा परिवार पश्चिम बंगाल के बसवरिया जिला हुगली में बस गए हैं। हमारे छोटे भाई वसी अहमद की शादी 21 मार्च को रघुनाथपुर प्रखंड के दौलतपुर निवासी अब्दुल हक अंसारी के पुत्री नेहा खातून से संपन्न हुई थी, जिसके बाद बरातियों की वापसी के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस की टिकट 22 और 24 मार्च और 5 अप्रैल को था, परंतु 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के कारण टिकट कैंसिल हो गया, जिसके बाद लॉकडाउन में पूरे बराती फंस गए। उन्होंने बताया कि बरातियों में 15 महिला 5 बच्चे सहित कुल 39 लोग हैं। इसकी खबर हथौड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया इनामुल हक उर्फ डिस्को को मिली तो तुरंत इंसानियत का परिचय देते हुए 15 दिनों का राशन और कुछ नगद पैसा का सहयोग पहुंचाया। इसकी जानकारी मिलते ही विधायक प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार यादव और स्थानीय मुखिया जितेंद्र यादव ने पहुंचकर कुशल त्रेमरिया और एसटीओ से बात कर यथाशीघ्र भेजने का आश्वासन दिया। 15 दिन मालूम चला कलकत्ता से कुछ लोग आकर यहाँ सारे पंचायत में आकर फंसे हुए हैं, तो हम आए इन लोगों से हाल चाल पूछे, इन लोगों ने कहा थोड़ा खाने होने का प्रॉब्लम हो रहा है, हमसे जहाँ तक हुआ जितना हुआ हम खाने का व्यवस्था इन लोग किए हैं, कर रहे हैं और भी करते रहेंगे। अभी तक इन लोगों के लिए किसी जिलाधिकारी से या किन लोगों से बात हुआ है, इन लोगों को जाने के लिए किसी चीज के लिए? आज एसडीओ साहब से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि हम डीएम साहब से बात कर लेते हैं, करने के बाद इन लोगों का व्यवस्था करते हैं, इन लोगों का स्कैनर करके इन लोगों को जाने का व्यवस्था बनाते हैं। 20 तारीख को सुबह में आए थे वेस्ट बंगाल से और खरसंडा गांव में हम लोग यहीं आए थे, यहीं से जो हम लोग शादी में बारात गए थे दौलतपुर, तब से आए हैं आप। उसके बाद से जो हम लोग को टिकट था 22 तारीख को 24 तारीख को और 5 तारीख को, तो हम लोग लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं, जा नहीं पाए हैं। हम लोग आए हुए काफ़ी दिन मतलब हो गई लॉकडाउन से, अभी तक हम लोग फंसे हुए हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं। वहाँ पर भी जो माँ है बहन है छोटे छोटे बच्चे हैं सब गार्जियन टाइप के सब गार्जियन रूप में सबको आए हैं और लगभग हम लोग 39 आदमी आए हैं, आकर के सब आदमी यहाँ फंस गए, हम लोग बहुत परेशान हैं। जैसे हमें मिला कि नहीं यहाँ पर आके लोग प्रवासी जो वेस्ट बंगाल से आके लोग फंसे हुए हैं, इसकी जानकारी हम अवगत करा चुके हैं प्रखंड लेवल पे और इनको हम लोग भी हम आश्वासन दिए कि जैसे हमको किसी तरह की सुविधा मिलती है पास के तो हम लोग पास बनवाएंगे, आप लोग भरपूर सहयोग करेंगे, यहाँ से आप लोग भिजवाने के लिए जितना हम लोग कदम उठाना चाहेंगे हम लोग उठाएंगे और हम लोग अभी प्रयास हैं। ऐसे आशा है कि एक फॉर्मेट आया है उसके अनुसार हम लोग पूरे सारे लोगों को जो कि नोट करके हम वीडियो से अवगत कराएंगे और दूसरे अवगत कराएंगे ताकि उनको ज्यादा यथाशीघ्र यहाँ से हम लोग निकाल सकें।